मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव शहर में आयोजित नुक्कड़ सभा के बाद कहा कि जब देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं। देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों की संख्या में SC ST और OBC के लोग रहते हैं और सब देश के लिए, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं, तो देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मानते हुए देश के किसान, गरीब, मजदूर की चिंता कर रहे हैं, उससे जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार 400 पार होगा। राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाकर चुनाव को और आसान कर दिया है। देखिए, जब देश में UPA की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कह कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में ST SC OBC जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं, तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान कि उसमें पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, ये उनका बयान बिल्कुल गलत है और एक सांप्रदायिकता की ओर ये बयान इंगित करता है। और इसको देश के सामने प्रधानमंत्री जी लाकर अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए रात और दिन चिंता कर रहे हैं और देश की जनता के प्रति, देश की जनता का प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार 400 पार होगा। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि 150 पार नहीं होगा, ये तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही बोलते थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही बोलते थे, तो इनके बोलने में कोई दम नहीं है, ऐसे ही बोलते रहें। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 2014 से भी 2019 में बढ़ी है और इस बार देखिए, राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहां लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है, तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान हो गई है और राजनांदगांव सीट भारी मतों से